साथियों, मैं सोमपाल सैनी, परिमंडल सचिव एनएफटी बीएसएनएल उत्तर प्रदेश पश्चिम, आपसे अपील करना चाहता हूं कि कल दिनांक 12/10/2022 को 9वें सदस्य सत्यापन में सभी कर्मचारी एनएफटी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं और तमाम हिंदुस्तान में भी एनएफटी बीएसएनएल को नंबर एक यूनियन बनाने के लिए नहीं 51% वोट देकर के पूर्णतया बहुमत की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि जैसा कि भारमत प्रचार हमारे साथी लोग कर रहे हैं कि अवर अभ्यंता साथी एनएफटी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश पश्चिम में जैसा कि मुझे ज्ञान है और मालूमात है, 90% हमारे जेई डायरेक्ट जेई एनएफटी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं और मैं उन्हें अपील करना चाहूंगा कि कर्मचारियों के भविष्य को निर्धारित करने के लिए थर्ड पीआरसी दिलाने के लिए मृतक आश्रित भर्ती कोटे में अपना जो हमारा योगदान है एनएफटी का, उसको निरंतर जारी रखते हुए हम 12,000 कर्मचारियों का स्टेगनेशन जो फंसा हुआ है और थर्ड पीआरसी के माध्यम से जो मिलने वाला लाभ है उसको दिलाने का पूरा हम प्रयास कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि आप कल अपने एनएफटी के भविष्य को निर्धारित करते हुए, कर्मचारी के भविष्य को निर्धारित करते हुए आप लोग एनएफटी के पक्ष में क्रमांक नंबर 13 पर अपना मतदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरी आप लोगों से विनती और अपील करनी है। साथियों, यहाँ तक नहीं, हमारे कर्मचारी अभी तक इस आशा से बंधे बैठे थे कि हम लोग एनएफटी को किसी तरह से नंबर एक यूनियन बनाएं। लगातार इनको हमने 18 सालों तक बीएसएनएल यू को देखा है, अब की बार एक बार आप एनएफटी को नंबर एक यूनियन बना करके अपने जो हकूक है, हमारे जो हमारे अधिकार हैं, उनको लाभ दिलाने के लिए एनएफटी को जिताएं, ऐसा मुझे कहना है। यही मेरी अपील है। मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद।